टुडे वी आर नो अबाउट न्यूट्रिशन इन कट चेविंग हर्बीवोर एनिमल्स मीन्स कट चेविंग हर्बीवोर्स एनिमल्स एनिमल्स हर्बीवोर हैं लेकिन किस टाइप के हैं कट चेविंग मीन्स जुगाली करने वाले कट चेविंग हर्बीवोर्स एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स इसीलिए ऐसे एनिमल्स को र्यूमिनेंट्स एनिमल्स कहा जाता है र्यूमिनेंट्स मीन्स होता है जुगाली करना बहुत सारे एनिमल्स को आप देखे होंगे जुगाली करते हुए जैसे काउ डियर कैमल बफेलो सीप्स एंड जिराफ और सम ऑफ द वेल नोन र्यूमिनेंट्स दे हैव ए स्पेशल फोर चैम्बर्ड स्टोमक इनके स्टोमक फोर चैम्बर्ड होते हैं द फर्स्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट एंड इज कॉल्ड र्यूमेन दीज एनिमल्स फर्स्ट स्वेलो द फूड क्विकली एंड स्टोर इन देयर र्यूमेन सबसे पहले क्या करते हैं ये अपने फूड को जल्दी जल्दी स्टोर कर लेते हैं जो लार्जेस्ट इनका चैम्बर होता है जिसको र्यूमेन कहते हैं दीज एनिमल्स फर्स्ट स्वेलो जल्दी से क्या होता है उसको बिना ज़्यादा चबाए हुए निगल जाते हैं अंदर र्यूमेन में कलेक्ट कर लेते हैं स्टोर कर लेते हैं देन आफ्टर द र्यूमेन हैज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस र्यूमेन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं यहाँ पे आप इसका पहले देख लें स्ट्रक्चर किस तरह से है अभी हमने आपको बताया कि ये फोर चैम्बर्ड में इसका डिवाइड होता है तो फोर चैम्बर्ड में जो डिवाइडेंट होते हैं इसमें हम इसको देखेंगे ह्यूमन स्टोमक में अभी आपने देखा कि उसका स्टोमक में केवल एक ही पार्ट था लेकिन इन र्यूमिनेंट्स कट सेविंग एनिमल्स में ये फोर पार्ट में डिवाइड होता है ये उसी फर्स्ट पार्ट इज हियर रेटिकुलम एंड द सेकेंड पार्ट इज दिस र्यूमेन इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक ऑफ र्यूमिनेंट्स एनिमल्स थर्ड वन इज ओमेसम एंड द फोर्थ इज एबोमेसम तो ये डिफरेंट फोर पार्ट में ये इसका स्टोमक डिवाइड है फिर इसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका जो पार्ट है वो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का है तो इसको अब देखें कि ये किस तरह से अपने फूड को डाइजेस्ट करता है द हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलोज ऑफ द प्लांट मटेरियल्स मीन्स इसके अंदर र्यूमेन में क्या होता है एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ द प्लांट्स मटेरियल्स मीन्स ये प्लांट्स मटेरियल्स खाते हैं तो प्लांट्स मटेरियल्स में मोस्टली क्या होता है सेलुलोज ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट्स में मिलता है दिस फूड इज नाउ कॉल्ड कड अब इस फूड को हम क्या कहते हैं कड द र्यूमिनेंट्स लेटर ऑन ब्रिंग दिस कड बैक टू देयर माउथ एंड चेव इट थ्रोली मीन्स सबसे पहले क्या करते हैं वो जल्दी जल्दी अपने फूड को र्यूमेन में कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर वापस जब वो फ्री टाइम में होते हैं कट बैक इनटू देयर माउथ र्यूमेन यानी कि स्टोमक में से फिर वापस अपने माउथ में उसको लाते हैं और उसको च्यू करते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन और इसी प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन कहते हैं द थ्रू चेविंग ऑफ फूड ड्यूरिंग र्यूमिनेशंस हेल्प टू ब्रेक डाउन द रिच सेलुलोज कंटेंट्स ऑफ द प्लांट्स
मटेरियल्स। इस प्रोसेस में जब वो फूड को चेविंग करते हैं तो उनका फूड ब्रेक डाउन होता है। रिच सेलुलोज कंटेंट ऑफ प्लांट्स मटेरियल्स, जो प्लांट मटेरियल्स के सेलुलोज वाले जो पार्ट होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और डाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। दिस ब्रेकिंग डाउन मेक्स इट इजी फॉर दीज एनिमल्स टू डाइजेस्ट द सेलुलोज कंटेंट्स। इस तरह से ये एनिमल्स सेलुलोज के कंटेंट को डाइजेस्ट करते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो प्रोसेस है क्या होता है इसमें। रूमिनेंट्स आल्सो हैव ए स्पेसियस बैग लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज कॉल्ड सीकम, मीन्स स्मॉल और लार्ज के बीच में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीकम कहते हैं। ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? सीकम। इसी पार्ट में इसका डाइजेशन होता है। बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन दिस इज सीकम, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीकम हेल्प इन फर्दर डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज ऑफ द फूड। इसके बाद जो फूड होता है उसमें जो सेलुलोज बचा होता है उस सेलुलोज को यहाँ कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट हेयर दैट सच बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये नोट करने वाला पॉइंट है आपको कि ऐसे बैक्टीरिया ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग भी सेलुलोज लेते हैं, जैसे फाइबर्स, जो फाइबरस फूड होते हैं जैसे फ्रूट्स होते हैं, सलाद्स होते हैं, इसमें भी फाइबर्स होता है, लेकिन हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन सेलुलोज या फाइबर्स हमको हेल्प करता है किसमें? फॉर बॉल मोमेंट में। देखें आगे, नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट देयरफॉर डाइजेस्ट द सेलुलोज विच गोज ऑन टू फॉर्म रफेज, जिसको हम रफेज कहते हैं, रेसे वाले जो फूड मटेरियल्स होते हैं। रफेज हेल्प्स इन द बॉल मोमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, मीन्स ये हमारी डाइजेशन को आगे प्रोसेस करने में हेल्प करता है, और जो हमारा फूड मटेरियल्स डाइजेस्ट होने के बाद उसको ये आगे बढ़ाता जाता है फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज एंड लार्ज टू रेक्टम एंड देन एनस। तो ये एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स के बारे में आपको डाइजेशन बताया गया जो रूमिनेट्स होते हैं, मींस जुगाली करने वाले जानवर, कैसे अपने भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। तो इतना यहाँ पे आपने देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये भी एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये अपने भोजन को, अपने फूड को कैसे कैच करता है और कैसे उसको डाइजेस्ट करता है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना, और इसका होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।